अब आप एक बार ना पूछ लीजिए, क्योंकि लोकेशन आपका हो रहा है यहाँ पे खत्म। ये मंदिर नहीं है, मंदिर मंदिर आगे आप पब्लिक पास आ गए। मुझे नहीं पता सर, मयूर पब्लिक का लोकेशन निकाला हुआ है ना, तो बस यही है फिर मयूर पब्लिक। हाँ, जो लोकेशन डाला है वहाँ पे तो ये खत्म हो गया मंदिर के पास, जैसे आपको इसमें बता रहा है वैसे ही। ठीक है, 86 रुपीज इनको देना। ठीक है सर, थोड़ा सा बढ़ गया होगा और क्या। 106 रुपए। मैं थोड़ा सा मतलब घर से निकला ना तो इसमें मैं डाल लिया था, मुझे पता था मेरे में भी खत्म होने वाला है, तो मैंने कहा चलो। चलो ठीक है, भाई वाह आदमी बड़ी जल्दी भाग गया यार। लो जी दोस्तों, मैं तो राइड ही भूल जाता हूँ रात को कि कौन सी राइड है ये। ऐसा ठाकुर जी का राइड आया, 10:30 हो रहा है टाइम, और यहाँ से पिकअप लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। तो चलो फटाफट कस्टमर को पिक करते हैं, उससे पहले भी कॉल कर लेते हैं रास्ते में चलते चलते कि भैया उनको जाना कहाँ है। ये देख रहे हो आप लोग कितना दिखा रहा है, 3 किलोमीटर 9 मिनट्स। हेलो, हाँ सर बुकिंग आई थी। हाँ बिल्कुल सर, आ ही रहा हूँ। अरे बिल्कुल सर, दिल्ली के आप कहीं भी चलिए सर, आ रहा हूँ, बस लोकेशन पे आ रहा हूँ। ओके सर, तो दोस्तों कस्टमर जाएंगे दिल्ली और मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आप जाओगे या नहीं जाओगे, तो मैंने कहा सर अगर मैं हूँ तो ज़रूर जाऊँगा। तो ऐसा हो जाता है, कस्टमर को ऐसा लगता है कि शायद हम जाए नहीं, तो इसलिए वो पूछ लेते हैं कि भैया जाओगे कि नहीं जाओगे। तो चलो फटाफट कस्टमर को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं इनको डेस्टिनेशन पे। आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है दोस्तों, मतलब ग्लव्स निकालते एकदम हाथों में ऐसे करकरा रही ठंडी लग रही है कि मज़ा ही आ जा रहा है। चलो मत, एक चाहती में नहीं कि मैं सोच रहा था इस साल की राइड पे ना मैं कश्मीर जाऊं, बट ऊपर वाले ने कश्मीर तो नहीं भेजा, राइड है दिला रहा है रात को मस्त मज़ेदार। ये भी कश्मीर से मेरे लिए कम नहीं है, ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ हो रही है। रात को राइड लेने का एक अनोखा ही मज़ा है, पूरा रोड खाली, आप सुनसान रात को 11 बजे, देख रहे हो, खास करके गाजियाबाद और ये वैशाली के एरिया जो है यहाँ पे तो रात को ऐसे ही रहता है। हम बातें ना करूँगा भाई ज़्यादा, फटाफट कस्टमर को पिक करते हैं। लो जी आ गए लोकेशन। आप हो सर? ये साहब हैं आप? हाँ विश्वनाथ डे। हाँ अच्छा, मैं आप ही को कॉल मिला रहा हूँ। 3575 है आपका? हाँ जी सर। तो वहाँ चले जाइएगा मयूर पब्लिक स्कूल? कहीं भी जाएंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे सर। ठीक है, हेलमेट ले लीजिए। OTP बता दो सर। OTP है। अच्छा, ये एक अभी मोटरसाइकिल और एक बार अभी बाइक को बुक किया है। अच्छा, वो खुद ब खुद जो है सिस्टम अच्छा दूसरे को दे दिया? नहीं, दूसरे को दिया कि पता नहीं क्या किया इसमें, जैसे ये आ रहा है ना, क्लिक किया तो आपका आ रहा है। अच्छा, विश्वनाथ डे हाँ, लिखा हुआ हाँ, एवेंजर OTP ये सब हाँ, और वो गायब ही हो गया एकदम। वो ऐसा होता है सर, जैसे कि आपने जब बुक किया होगा ना हाँ, तो पहले वो कॉल किसी और पे लैंड हुआ हाँ, उसने उसका मन नहीं होगा, उसने कैंसिल कर दिया, तो आसपास जो भी राइडर होता है ना वो कॉल फिर वो वाली राइड उसके पास जाएगी, तो मेरे पास आ गई होगी। नहीं, मैंने तो दोबारा बुक किया है। तो अच्छा चलो सर, तो वापस ऐसे इसी रोड पे ले लो ना। आप इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आप जाके लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है, जैसे आपको इसमें बता रहा है वैसे ही। ठीक है, 86 रुपीज इनको देना। ठीक है सर, तो ये राइड है 9 किलोमीटर का है, 9.1 और 19 मिनट दिखा रहा है। ठंड है ना सर, तो रात में ज़्यादातर बुक करते नहीं है राइड बाइक पे, कोई कोई लोग ही करते हैं। अरे यार ये देखो दोस्तों, मेरे रैपिडो पे राइड आ रही है, पिक कर नहीं सकता। अगर तो हम
रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो एक मिनट में दूसरा वाला बंद कर दूं सर, इसमें राइड आ जा रही है बार बार, ये देखिए आ रही है ना यहाँ पे, इसको जाने दो अब। नहीं वो डिक्लाइन नहीं, इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक गया, वो ऑटोमेटिक ही आपके पास आएगा और कुछ एक संग पांच राइडर पे जाता है राइड, जो जल्दी उठा लेगा उसी का। अभी आसपास कोई है ही नहीं राइड, राइडर ही नहीं है तो मेरे पास आ रहा है। आज तो भाई साहब ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही है, मतलब ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा हो रही है, नाक में से पानी आ रहा हो जैसे फील हो रहा है। भाई साहब जब ऐसे अंधेरा रोड आता है ना, तब इस लाइट की वैल्यू का पता लगता है। और कुत्ते है पीछे मत पड़ना। ये कहां से घुसेड़ दिया भैया रे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जाओ, हाँ जी गलियों से घुसेड़ के ले जा रहा है भाई साहब ये जीपीएस तो, कहाँ से ले जा रहा है भाई, गड्ढे में से ऊंचे में से। आप सर इसी रास्ते से आते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो हमें जीपीएस क्या है वही रास्ता दिखाता है जो मतलब जल्दी पहुंचाएगा। मेरे को तो रात को वैसे समझ में नहीं आता कौन सा रोड है, मुझे लोकेशन बताता, बस उसी के हिसाब से चलते रहो। ये रास्ता कहाँ को जा रहा है भाई, पता ही नहीं लग रहा। उल्टा आ गए हम उस रोड के जगह, इस रोड पे चल रहे हैं। वो रोड पे चलना था हमें, मतलब ये आने का है, वो अंधेरे में पता नहीं लगा ना वहां पे। आ गए मेन रोड पे आ गए, जब अंधेरे में पता नहीं लगता है ना तो पता नहीं कहाँ से जीपीएस किधर से ले जा रहा है। आगे मेन रोड पे, डर खत्म। भाई साहब रात के हो रहे हैं 11, मतलब 9 मिनट बाकी है 11 बजने में। दोस्तों येलो लाइट देखो, येलो लाइट जो है मेरी, वो भाई साहब इस रोशनी की लाइट को भी काट दे रहा है। देख रहे हो क्या रोशनी है, वाह। वो मेट्रो जा रही है पिंक वाली, दिख रहा है क्या आप लोगों को, मेट्रो है ना पिंक, रास्ता होगा तभी दिखा रहा है। हम आ जाए इधर, फिर आप आ जाना शर जी, आ जाओ। अच्छा हम तो सर जीपीएस में जो डाल देंगे वहीं पहुंच जा देंगे, बाकी आपको पूछना पड़ेगा आसपास का। ये मंदिर है बुद्ध हमारे ऊपर। अच्छा
अब आप एक बार ना पूछ लीजिए, क्योंकि लोकेशन आपका हो रहा है यहाँ पे ख़त्म। ये रहा ये मंदिर, वो तो सर लोकेशन आप हो गया देखो वहीं पे। मैं मतलब वो नहीं कह रहा, आपने जो डाला होगा ना हम वो भी पहुंचाएंगे। आप बाकी आप बता दो जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देंगे, हमारा क्या है। तो मयूर पब्लिक पास आ गए वहाँ? मुझे नहीं पता सर, मयूर पब्लिक का लोकेशन तो डाला हुआ है ना, तो बस यही है फिर मयूर पब्लिक। हाँ जो लोकेशन डाला है वहाँ पे तो ये खत्म हो गया मंदिर के पास, वो आप पूछ लो। भैया मयूर पब्लिक स्कूल कौन सा? मयूर पब्लिक पूछ भैया बताओ। भाई इधर चला जाओ सामने। अच्छा ये तो शांति मार्ग है। सीधे चलना है ना, इनसे पूछो ये बताएंगे सही दुकान वाले। तो दोस्तों एक बार मेरे संग लक्ष्मी नगर में हुआ था कि लोकेशन पे मैंने ख़त्म कर दिया था राइड और काफ़ी घूमना पड़ा था अंदर, तो उसका बिल ही नहीं मिला था, इसलिए अब मैं ख़त्म नहीं करूँगा। जब सर बताएंगे कि हाँ यहाँ उतरना है तभी ख़त्म करूँगा। टी पॉइंट से लेफ्ट आओ है क्या कोई है मंडावली? ये तो विनोद नगर दिखा रहा है इस पे। वो ऐसा है ना जीपीएस में जो दिखाएगा हम तो वहाँ ले जाएंगे, बाकी आप बताओगे वहाँ छोड़ देंगे। हाँ कोई नहीं देख लेते हैं। दुकान वालों को ज़्यादा पता होती है, इनसे पूछता हूँ। अरे भैया शिव मंदिर कहाँ है यहाँ? शिव मंदिर है भाई? शिव मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर बिल्कुल सीधे चले जाओ। ला 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 सीधे चले जाओ, सीधे 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 सीधे। कहाँ सीधे? सीधे कहाँ पे जाना है? आ गए क्या सर? तो मतलब आप किसी के आए हैं यहीं रहते? अच्छा अच्छा फिर तो आपको पता ही कैसे होगा। ये गायत्री पब्लिक, इनको भी क्या पता, इनसे पूछता हूँ, इनसे पूछो। मैं शिव मंदिर कहाँ है यहाँ? हाँ बाल भारती विद्या भवन लिखा था ना वहाँ। तीसरी गली आएगी। अच्छा वो खुद ही हो तो उसकी गली में घुसते ना सीधे चले जाना, गली बाहर के जाओगे ना। हाँ लेफ्ट हैंड में थोड़ा वे के जाके दिख जाएगा उसके मंदिर, राइट हैंड में पड़ता है। अच्छा तो थोड़ा सा आगे जो आप नाम ले रहे हो ना। हाँ ये लो जी देखते हैं। थोड़ा सा बढ़ गया होगा और क्या। 106 रुपए रास्ता भटक गया है ना। वैसे कितना दिखा रहा था? 86। चैन तो है नहीं है सर, रख लो। ले ले लो हेलमेट दे दीजिए, टांग लेता हूँ।